में एक बहुत ही खतरनाक प्रेस रिलीज आई है। ठीक है, इसे खतरनाक क्यों कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं अब आपके लिए क्या नया झटका है। ड्यूरिंग द रिसेंट रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ CBIC, जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने डायरेक्शंस दी है टू रोल आउट एन ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल फॉर GST रिटर्न्स। ठीक है, ऑटोमेटेड स्क्रूटनी, ऑटोमेटिक आपकी स्क्रूटनी होगी एंड इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए CBIC हैज़ रोल्ड आउट ऑटोमेटिक रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल फॉर GST रिटर्न। उन्होंने जो है GST रिटर्न की अब ऑटोमेटेड स्क्रूटनी के लिए CBIC ने रोल आउट कर दिया है ACS GST बैकएंड एप्लीकेशन फॉर सेंट्रल टैक्स ऑफिसर्स दिस वीक। दिस मॉड्यूल विल इनेबल द ऑफिसर टू कैरी आउट स्क्रूटनी ऑफ GST रिटर्न ऑफ सेंटर एडमिनिस्टर टैक्स पेयर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड रिस्क आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम। अब किन टैक्स पेयर्स के लिए ये जो स्क्रूटनी होगी हो सकती है, जो कि सेलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एनालिटिक्स एंड रिस्क आइडेंटिफाई किया जाएगा सिस्टम के द्वारा, तो ये चीज़ें जो है अब चेक होंगी और जो भी रिस्की लगेगा टैक्स पेयर उसकी ये ऑटोमेटेड स्क्रूटनी होगी। इन द मॉड्यूल डिस्क्रिपेंसी ऑन अकाउंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद रिटर्न आर डिस्प्लेड टू द टैक्स ऑफिसर। ठीक है, तो जो भी डिस्क्रिपेंसी होगी साथ ही जो रिस्क एसोसिएट होगा उससे, रिस्क एंड डिस्क्रिपेंसीज दोनों चीज़ें टैक्स ऑफिसर को डिस्प्ले होंगी, उसे दिखाई देंगी एंड टैक्स ऑफिसर आर प्रोवाइडेड विद अ वर्क फ्लो फॉर इंटरेक्टिंग विद द टैक्स पेयर। और जो टैक्स ऑफिसर होगा वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा टैक्स पेयर के साथ, थ्रू GST एंड कॉमन पोर्टल फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी नोटिस। तो जो भी डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई है टैक्स पेयर के केस में वो कम्युनिकेट करेगा टैक्स ऑफिसर GST पोर्टल के द्वारा अंडर फॉर्म ASMT 10, एंड जो टैक्स पेयर की रिप्लाई होगी दैट विल बी इन फॉर्म ASMT 11, एंड सब्सिक्वेंट और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ आइदर या तो ऑर्डर इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिप्लाई इन फॉर्म ASMT 12 और इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, या तो रिप्लाई अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो इन फॉर्म ऑफ ASMT 12 जो है रिस्पॉन्स दिया जाएगा, या फिर जो है शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा और इनिशिएशन ऑफ ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन होगी इन केस ऑफ नॉन रिप्लाई या फिर रिप्लाई अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारा प्रोसीजर चलेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल हैज़ कमेंस्ड विद द स्क्रूटनी ऑफ GST रिटर्न। तो ये जो ऑटोमेटेड स्क्रूटनी होगी ये शुरू होगी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो GST returns है उनसे, एंड द रिक्वेस्टेड डेटा फॉर द पर्पस हैज़ ऑलरेडी बीट अवेलेबल करवा दिया गया है ऑफिसर्स के डैशबोर्ड। तो अब जो है ये प्रेस रिलीज आ चुकी है, इसकी न्यूज़ ऑलरेडी पहले भी शेयर की जा रही थी सोशल मीडिया पर, तो फाइनली ऑफिशियली ये जो प्रेस रिलीज है वो इशू हो चुकी है।